हेलो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इन द सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री दैट इज टाइप ऑफ यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड टाइप ऑफ सेंट्रल यूनिट सेल। सो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि जो प्रिमिटिव यूनिट सेल हैं वो सेवन टाइप के हैं, और उन सेवन टाइप के प्रिमिटिव यूनिट सेल से हम फर्दर 14 टाइप के प्रिमिटिव प्लस सेंट्रल यूनिट सेल बना सकते हैं, विच आर कॉल्ड ब्रेविस लेटाइसिस। सो प्रिमिटिव यूनिट सेल की जैसे हमने बात की थी, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता था कि जो पार्टिकल थे वो यूनिट सेल के सिर्फ कॉर्नर पोजीशन पे पाए जाते थे। जो 8 कॉर्नर्स होते हैं यूनिट सेल में, उन पोजीशन पे पाए जाते थे। बाकी जो सेंट्रल यूनिट सेल हैं, इनमें क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं वो 8 कॉर्नर के साथ साथ या तो बॉडी सेंटर में भी होता है, या फेस सेंटर में हो सकता है, या किन दो अपोजिट फेसिस में हो सकता है एंड सेंट्रल यूनिट सेल्स के केस में। सो अब हम देखेंगे कि ये जो सेवन टाइप के प्रिमिटिव यूनिट सेल हैं जिनमें से पार्टिकल कॉर्नर पोजीशन पे होंगे, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है क्यूबिक, सेकंड इज टेट्रागोनल, थर्ड इज ऑर्थोरम्बिक, फोर्थ इज मोनोक्लिनिक, फिफ्थ इज ट्राइक्लिनिक, सिक्स्थ इज हेक्सागोनल एंड सेवन्थ इज रोम्बोहीड्रल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राइगोनल। अब इसके लिए एक निमोनिक्स मैंने बनाया है, कटोमटर। कटोमटर CTOMTHR, आप इसको इस टाइप टाइप में पढ़ेंगे, तो आप इनको इसी सीक्वेंस में याद रख सकते हैं कि सेवन टाइप के जो यूनिट सेल हैं वो कौन कौन से हैं। अब ये जो सेवन टाइप के यूनिट सेल हैं, इन 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 से आपने फर्दर हमने क्या किया हुआ है, सेंट्रल यूनिट सेल बनाए हैं बाई प्लेसिंग द पार्टिकल आइदर एट द बॉडी सेंटर ऑफ द यूनिट सेल, और एट द फेस सेंटर ऑफ द यूनिट सेल, और एट द एंड सेंटर्स ऑफ द यूनिट सेल। और इस प्रकार हमारे पास टोटल 14 प्रकार के यूनिट सेल बन जाते हैं, जिनको हमने नाम दिया ब्रेविस लेटाइसिस। अब हम बात करेंगे कि ये जो पैरामीटर्स हैं इन क्रिस्टल्स के, जो 14 टाइप के क्रिस्टल्स हैं, वो कौन कौन से हैं। तो हमें इस डायग्राम की तरफ चलना पड़ेगा। आप इस डायग्राम को यदि ध्यान से देखें तो ये फर्स्ट टाइप का जो यूनिट सेल है दैट इज क्यूबिक, क्यूबिक में 3 टाइप के सेंटर्ड यूनिट सेल बन सकते हैं, दैट इज प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। प्रिमिटिव में क्या होगा, सिर्फ पार्टिकल कॉर्नर्स पे होंगे, 8 जो कॉर्नर्स हैं। और बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, कॉर्नर के साथ साथ एक बॉडी सेंटर में होगा। और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स के केस में पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ जो 6 फेसेस हैं उनके सेंटर में भी पाए जाते हैं। अब यदि इनके डायमेंशंस की बात करें क्यूबिक टाइप के यूनिट सेल में, तो क्या होता है, जो एज लेंथ्स हैं ए बी एंड सी, वो तीनों बराबर होती हैं। एंगल अल्फा बीटा गामा वो बराबर होते हैं और 90 डिग्री के बराबर होते हैं। जो सेकेंड टाइप का यूनिट सेल है दैट इज टेट्रागोनल, इसमें 2 टाइप के सेंटर्ड यूनिट सेल बन सकते हैं, एक है प्रिमिटिव, दूसरा है बॉडी सेंटर्ड। प्रिमिटिव में क्या होगा, जो पार्टिकल होंगे सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे, और बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, पार्टिकल कॉर्नर्स के साथ साथ बॉडी सेंटर में भी पाया जाएगा। यदि आप इसमें एज लेंथ की बात करें, एज लेंथ के जो पैरामीटर्स हैं, तो ए बराबर होगा बी, और बी बराबर नहीं होगा सी के, और 3 एंगल जो हैं अल्फा बीटा गामा वो बराबर होंगे और 90 डिग्री के बराबर होंगे। जो थर्ड टाइप का क्रिस्टल सिस्टम है दैट इज़ ऑर्थोरूम्बिक, इसमें 4 टाइप के हमारे पास सेंटर्ड यूनिट सेल हम इन टोटल बना सकते हैं, प्रिमिटिव के साथ साथ बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। प्रिमिटिव में अगेन पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे होंगे, बॉडी सेंटर में कॉर्नर के साथ साथ पार्टिकल बॉडी सेंटर में भी होगा, फेस सेंटर में कॉर्नर के साथ साथ फेस सेंटर्स पे भी होगा, और एंड सेंटर के केस में पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ इन दो अपोजिट फेस के सेंटर में भी होगा। इसमें जो एज लेंथ है ए बी एंड सी वो तीनों बराबर नहीं होती, और एंगल जो है इसमें अल्फा बीटा गामा वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं, तीनों इक्वल होते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अल्फा एंगल जो है वो बी एंड सी टाइप के जो एजिस हैं उनके बीच में होता है, बीटा टाइप का जो है ए और सी के बीच में होता है, और जो गामा टाइप का एंगल है वो ए और बी टाइप के जो एजिस हैं उनके बीच में पाया जाता है। जो नेक्स्ट टाइप का क्रिस्टल सिस्टम है दैट इज मोनोक्लिनिक, इसमें 2 प्रकार के ब्रेविस लेटाइसिस बन सकते हैं, एक प्रिमिटिव और एंड सेंटर। प्रिमिटिव में पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर्स भी होंगे, और एंड सेंटर में कॉर्नर के साथ साथ कि दो अपोजिट फेस पे भी हो सकते हैं, या तो टॉप बॉटम पे होगा, या लेफ्ट साइड राइट साइड के होगा, या तो फ्रंट या बैक साइड के जो फेसेस हैं उनके सेंटर पे होगा। इसमें अगेन यदि आप एज लेंथ की बात करें, तो ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, यहाँ पे अल्फा और गामा एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं, बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम है ट्राइक्लिनिक,
इसमें कोई भी सेंट्रल यूनिट सेल ड्राइव नहीं किया जा सकता, इसमें से प्रिमिटिव टाइप का ही यूनिट सेल एग्जिस्ट करता है। इसमें जो एज लेंथ है ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, नॉट इक्वल टू गामा, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम द मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम। सो ट्राइक्लिनिक इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम। मोस्ट अनसिमेट्रिकल इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप देखिए इसमें एज लेंथ तीनों की तीनों ए बी सी बराबर नहीं है, ना ही इसके तीनों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं। सो ट्राइक्लिनिक सिस्टम इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम अमंग 7 टाइप ऑफ द क्रिस्टल्स। और यदि आप मोस्ट सिमेट्रिकल की बात करें तो मोस्ट सिमेट्रिकल में हमारे पास क्यूबिक टाइप का जो क्रिस्टल सिस्टम है वो आता है। इसमें आप देख सकते हैं तीनों एज लेंथ भी बराबर हैं, तीनों एक्सियल एंगल भी बराबर हैं। सो जो क्यूबिक टाइप का क्रिस्टल सिस्टम है इसको हम मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं, और जो ट्राइक्लिनिक टाइप का जो क्रिस्टल सिस्टम होता है इसको हम मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट है हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। हेक्सागोनल में भी कोई भी इसका सेंट्रल जो यूनिट सेल है वो ड्राइव नहीं किया जा सकता, और इसमें सिर्फ प्रिमिटिव टाइप का एग्जिस्ट करता है। मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल होंगे वो सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे। बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड एंड सेंटर टाइप के जो यूनिट सेल हैं वो हेक्सागोनल टाइप के क्रिस्टल से डिराइव नहीं किए गए जा सकते हैं। अब इसमें यदि एज लेंथ की बात करें तो ए इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बराबर होता है बीटा के और इक्वल टू होते हैं 90 डिग्री के, गामा एंगल जो है वो 120 डिग्री के बराबर होता है। नेक्स्ट है रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल। इसमें भी सिर्फ प्रिमिटिव टाइप का ही क्रिस्टल सिस्टम एग्जिस्ट करता है। बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड सेंटर टाइप के इसमें ड्राइव नहीं किए जा सकते। इसमें जो एज लेंथ है वो ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी रहता है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री रहता है। सो दीज आर द 7 टाइप ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम, जिसको आप यदि इसी सीक्वेंस में स्टडी करेंगे कटो मटर की फॉर्म में, तो आप जो है इनको बड़े आराम से याद रख पाएंगे। और एज लेंथ को याद रखना भी आसान है क्योंकि देखिए फर्स्ट एंड लास्ट जो है यहाँ पे इक्वल हैं, सेकंड एंड सेकंड लास्ट में जो बी और सी एंगल हैं वो बराबर नहीं है, और बाकी इनके थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के बराबर नहीं है। यहाँ पे ये तीन बिल्कुल देखिए अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है। तो इनको याद रखना आसान है। ट्राइक्लिनिक आपको माइंड में है कि ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल है, तो तीनों की तीनों चीज़ें ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होगी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा रहेगा। और यदि इन तीन चीज़ों को यदि आप याद रख लें तो आप आराम से 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम अलॉन्ग विद देयर एज लेंथ और एक्सियल एंगल आराम से याद कर सकते हैं। तो ये न्यूमेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखें और इसका उपयोग करके आप इसको बड़े आराम से याद रख सकते हैं। अब जो ब्रेविस लैटिसेस 14 टाइप के जो यूनिट सेल बनते हैं बाय द कम्बिनेशन ऑफ प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, वो इस प्रकार से हैं। तीन बनते हैं देखिए क्यूबिक टाइप के क्रिस्टल से, दो बनते हैं आपके टेट्रागोनल से, चार बनते हैं ऑर्थोगोनल से, दो बनते हैं मोनोक्लिनिक से, एक बनता है ट्राइक्लिनिक, एक बनता है हेक्सागोनल और एक बनता है रोम्बोहेड्रल। सो इन टोटल वी हैव 14 टाइप ऑफ द ब्रेविस लैटिसेस व्हिच आर फॉर्म फ्रॉम द यूनिट सेल्स। थैंक यू।